हेलो फ्रेंड्स, क्या भी उन्हीं में से हो जो रेस्टोरेंट का और होटल का वही वही चिकन खा के थक गए हो या पक गए हो, तो ये रेसिपी आपके लिए। आज हम बनाएंगे देहाती स्टाइल चिकन। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में भी ये बहुत ही स्वाद लगता है। तो चलिए आइए बनाते हैं देहाती स्टाइल चिकन। आज हम बनाएंगे 4 kg चिकन। इसके लिए मैंने आधा किलो सूखा नारियल रोस्ट करके लिया है या थोड़ा सा तेल में फ्राई किया है। उसके बाद मैंने आधा कटोरी लिया है भुना हुआ चना। इसको भी हम थोड़ा ऑयल में चलाएंगे 2 मिनट। इसको रोस्ट कर लेंगे या ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इससे भी बहुत ही टेस्टी बन जाता है चिकन और एकदम गाव स्टाइल इसका स्वाद आ जाता है। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए बिना वीडियो स्किप किए। चलिए तो नेक्स्ट हम डालते हैं आधा कटोरी बाजरा। इससे भी चिकन में एक थिकनेस आ जाता है और एक सौंधी सी खुशबू आ जाती है। इससे भी बहुत ही टेस्टी बनता है चिकन। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मैं तो डालती हूँ क्योंकि मेरे गांव में इसी टाइप से चिकन बनता है। इसको भी हम बाजरे को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। लगभग ये थोड़ा हो गया है, हमारा सुनहरा कलर इसमें बाजरे में आ गया है। और इसको हम निकालेंगे किसी कटोरी में। ये चिकन में स्वाद लाने वाली एक अनोखी ट्रिक है, इसमें हम डालेंगे ये है। अब हम डालेंगे करी लीव्स। मैंने ये 2 से 3 पूरा जो पत्ता आता है उसको निकाल के धो के डाला हुआ है। इसको हम थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। अदरक को भी हम फ्राई कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। अदरक से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिना अदरक के तो चिकन में कोई इतना स्वाद नहीं आएगा। उसके बाद मैंने इसी में ही थोड़ा सा धनिया डाला हुआ है। उसको भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे और सारे मसाले अलग रख देंगे। और ये क्या इसमें मैंने लिया है लगभग 2.5 kg कटा हुआ प्याज। इसको भी हम सुनहरा होने तक पकाएंगे बहुत अच्छे से। यही तो मेन इंग्रेडिएंट है जो चिकन को स्वाद देता है और ग्रेवी को थिकनेस भी देता है। इसी में मैंने डाले हैं 2 कटे हुए टमाटर। हमारा प्याज बहुत अच्छे से पक गया है, उसमें मैंने 2 टमाटर डाले हैं। टमाटर डालने से भी ग्रेवी में थोड़ा अच्छा सा थिकनेस आ जाता है। सारे मसाले हम ऐसे ही पीस लेंगे और साइड रख देंगे। और अब हम डालेंगे चिकन। मैंने लगभग 4 kg चिकन लिया है, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा ग्रेवी बनाया था। क्या हुआ था ना, मेरे घर में कुछ मेहमान आए थे तो वो सब चिकन खाने वाले थे। तो चलिए बनाते हैं चिकन। चिकन में मैंने धो के लिया है और उसमें डाला है हल्दी और नमक। आप अपने अनुसार हल्दी और नमक डाल सकते हैं। उसके बाद डाले हैं मैंने 3 कटे हुए प्याज। इसको हम तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे सुनहरा होने तक। इसी में चिकन पकाएंगे। चिकन को धो के अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया था 5 से 6 मिनट। उसके बाद डाला है चिकन। चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे और बिना पानी के इसको पकाएंगे। इसमें मैं कोई पानी नहीं ऐड करूँगी। इसको ढक देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। इसमें कोई पानी नहीं डाला है मैंने। और 20 मिनट बाद देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। चलिए तो मसाला फ्राई कर लेते हैं। मैंने लगभग लिया है 200 ग्राम ऑयल। ऑयल में डाला है चिकन मसाला, हमारा महाराष्ट्रीयन मसाला, और जो हमने पीसे हुए सारे मसाले हैं उनको ऐड करेंगे। जो पहले हमने सूखे मसाले पीस लिए थे वो ऐड किया है। उसके बाद डाला है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद डाला है प्याज जो मैंने पीसा हुआ था। मसालों को अच्छे से पकाएंगे। इसका जब वो तेल छोड़ेगा तभी इसको चिकन में हम ट्रांसफर करेंगे। तेल लगभग छोड़ने लगा है मसाला, ये बहुत ही अच्छे से तेल छोड़ रहा है। और
डालते हैं चिकन में। उसके बाद लगभग मैंने इसमें डाला था 2 या 2.5 लीटर पानी डाला था। इसको हम अभी 5 मिनट इसको ऐसे ही उबाल आने देंगे और रेडी है हमारा देहात स्टाइल चिकन। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में इसमें मैंने डाला था 6 चम्मच नमक।